विजय माल्या की 260 कारों में से 6 कारें होंगी नीलाम। कोर्ट ने दिया आदेश। देश देश के जाने माने भगौड़े और रेसिंग कारों के बादशाह विजय माल्या का बुरा समय शुरू हो गया है। हाल ही में जारी आदेश में हाई कोर्ट ने विजय माल्या की कारों को बेचने की घोषणा कर दी है। गौरतलब हो, कारोबारी विजय माल्या बैंकों के 6203 करोड़ रुपए लेकर फरार है, जिन्हें वसूलने के लिए बैंक माल्या पर कई बार दबाव बना चुके हैं, लेकिन माल्या की कोई प्रतिक्रिया न आने पर इस फैसले पर लंदन हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। लंदन हाईकोर्ट ने इस शराब कारोबारी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने माल्या की 6 महंगी कारों को बेचने का आदेश दिया है, जिनमें मिनी कंट्री मैन, पोर्शे केने, मैबिक 62, फरारी F430, रेंज रोवर, फरारी F512 एम आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि इन कारों का शुरुआती नंबर विजय माल्या के नाम के शुरुआती अक्षर VJM के हिसाब से हैं। हालांकि एक पोर्शे कार पर मशहूर ब्रिटिश जासूस जेम्स बॉन्ड के मशहूर नंबर 007 से कॉपी किया हुआ नंबर प्लेट लगा हुआ है। आपको बता दें, विजय माल्या ने अपनी पसंदीदा कारों को कैलिफोर्निया के एक प्राइवेट म्यूजियम में असेंबल किया हुआ है। बंगलुरु ऋण वसूली प्राधिकरण के दावे को माल्या ने लंदन हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने माल्या के लंदन स्थित 2 घरों में तलाशी लेकर और उसकी वस्तुओं को कब्जे में लेने के आदेश दिए थे। हाल ही में किंगफिशर एयरलाइंस के 2 हेलीकॉप्टर नीलामी में 8.5 करोड़ रुपए में बिके। बैंकों ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए एयरबस हेलीकॉप्टरों को नीलामी के लिए पेश किया था। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों हेलीकॉप्टर 8.5 करोड़ रुपए में नीलाम किए गए। दोनों हेलीकॉप्टरों के लिए आरक्षित मूल्य 3.5 करोड़ रुपए रखा गया था। ई नीलामी का आयोजन बेंगलुरु में किया गया।